हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल एंड आल्सो वेलकम टू द अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ रेजिडेंट एवल 3। तो गाइस, पिछली वीडियो में एक अजीब से स्पाइडर जैसा कोई मॉन्स्टर था गाइस, जिसने जिल को जो है बहुत बुरे तरीके से जो है इन्फेक्टेड कर दिया था। और गाइस, जिल की जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन गाइस ग्रीन हर्ब्स की मदद से जो गाइस हमारी जो कंडीशन है वो थोड़ी बेहतर हुई। ज़्यादा बेहतर नहीं हुई लेकिन गाइस थोड़ी बेहतर हुई। जिल ने वॉमिट किया और फिर जो उस मॉन्स्टर ने गाइस जो अपने अंदर जहर उगला था वो थोड़ा सही हो गया। लेकिन गाइस अभी भी जिल की जो थोड़ी कंडीशन है वो थोड़ी ख़राब है। आप देख सकते हैं अपनी जो स्क्रीन है वो अभी भी रेड हो रही है। तो गाइस अभी भी जिल की जो है वो हालत थोड़ी ख़राब है। लेकिन गाइस अभी अपन को वापस उस जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अपन ने ट्रेन मूव करानी है। हर हालत में इस सिटी से बाहर निकलना, जो सप्लाई है वो अंदर ही है। अभी मैं देख लेता हूँ वो मॉन्स्टर फिर से तो नहीं आएगा। हाँ भाई, अभी तो नहीं आया क्योंकि भाई उसने एक दफ़ा अपन को इन्फेक्ट कर दिया। अभी गाइस अपन अंदर तो मैं आ गया हूँ, अभी अपन को है ना यहाँ पे सप्लाई ऑन करनी पड़ेगी। बाकी गाइस यहाँ पे हालत कैसी हो रही है। बाकी भाई ये वही है मॉन्स्टर, गाइस ये वही मॉन्स्टर है जिसने जिल को इन्फेक्ट किया था। मेरे ख्याल से गाइस ये अंदर आ गया जब भी इसने अपन को बाहर इन्फेक्ट नहीं किया। बाकी यहाँ पर तो नहीं है ना। हाँ, अभी अपन आगे चलते हैं। गाइस ये रास्ते यहाँ पे कैसे खतरनाक हो रहे हैं। ये रहा गाइस, ये रहा वो भाई, कैसा हो रहा गाइस ये। अभी गाइस मैंने इसको 2-3 बुलेट्स में ख़त्म कर दिया, लेकिन अगर भाई मैं ऐसी वेस्ट करता रहा अपनी बुलेट्स तो मैं तो फिर गया। और उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं पता गाइस, वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर था उसको खैर कार्लोस ने RPG या रॉकेट लॉन्चर जो भी मारा था वो बैठ गया था। मेरे ख्याल से गाइस वो मरा नहीं है, कहीं से भी वो आ सकता है। खैर गाइस यहाँ पे अपन, मेरे को एक सामने सप्लाई मिली है, अभी मैं ना इसको ऑन कर देता हूँ। हाँ, एक तो गाइस ये सप्लाई, अभी मैं जल्दी से गाइस इसको ऑन कर देता हूँ। तो भाई, और ये मैंने पीछे मॉन्स्टर देखा था। और भाई ये कितने है, तेरी ऐसी की तेरी, रुक साढ़े। अरे गाइस ये तो डर के भाग रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा सा चाकू 2 दफ़ा मारा तो ये डर के भाग रहे हैं। भाई भाई एक ये रास्ता जा रहा है, अभी अंदर की तरफ अपन चलते हैं। अंदर की तरफ क्या भाई, यहाँ पे तो ऊपर की तरफ कोई रास्ता जा रहा है। खैर गाइस अभी मेरे को यहाँ पर कोई रास्ता नहीं पता, मेरे को जो पता चलता जा रहा है, मतलब जहाँ जहाँ रास्ता जा रहा है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। बाकी भाई ये क्या है, हैंड गन एमो मिल गई गाइस अपन को, बड़ा बेहतरीन काम हो गया। लेकिन इनका बड़ा मेहरबानी, इन्होंने 15 बुलेट दे के एहसान किया हमें, इतनी कम एमो दे दी है यार, कैसे मैं सर्वाइव करूँगा मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। वैसे अभी मेरी जो फील है वो बड़ी ख़राब कंडीशन में चल रही है। बाकी भाई ये मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ अभी गाइस, ये मेरे ख्याल से मैं उसी जगह पर आ गया हूँ लेकिन मैं उसकी दूसरी साइड पर आ गया हूँ और वो ऊपर के रास्ते से आया हूँ। लेकिन भाई मेरे को यहाँ पर जो है होशियार रहना पड़ेगा कि कोई आ ना जाए, मेरे को लग रहा है यहाँ पर। और भाई ये मेरे पीछे किसने अटैक किया, और गाइस ये वही मॉन्स्टर है भाई, ये कितने हैं, मैंने इसको अभी तो मारा बुलेट से और 2 को चाकू से मारा, तो यहाँ पर ये कितने की तादाद में। भाई मैं अभी जल्दी से ना पहले सप्लाई ऑन करता हूँ फिर यहाँ से निकलता हूँ। ओ भाई गाइस क्या डॉच किया है जिल ने, लेकिन गाइस ये पीछे छोड़ने नाम नहीं ले रहा है। अभी मैं जल्दी से अपनी पिस्टल निकालता हूँ और उसकी 2-3 बुलेट्स बजाता हूँ। तेरी ऐसी की तैसे साढ़े, तेरे को मैं क्या बोलूं गाइस, ये मॉन्स्टर जो है बड़े ख़तरनाक है। मेरे ख्याल से गाइस ये यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी तादाद में गाइस, अगर ये इतने सारे हैं तो यहाँ पे मसला हो जाएगा। अभी मैं जल्दी से इस सप्लाई को भी जो है वो ऑन कर देता हूँ। गाइस टोटल जो है 4 सप्लाईज हैं अपन ने, जिसमें से 2 ऑन कर दिए हैं, अभी अपन चलते हैं। बाकी ये फिर आ गया यार, ये कितने हैं मेरे को क्या भाई, मेरी जान लोगे चले जाओ यार। गाइस मैंने इसको चाकू दिखाया, भाग तो गया। ओ भाई 3, अबे भाई कितने आ गए ये। ओड़े गाइस इसने अपन को इन्फेक्ट कर दिया उसी तरीके से जैसे पहले इसने अपन को इन्फेक्ट किया था। अबे भाई मेरे पास तो अभी कोई फील भी नहीं है गाइस, मेरी स्क्रीन जो है वो पूरे बहुत बुरी तरीके से जो है डैमेज हो चुकी है। अभी गाइस मैंने इसको बुलेट से मार तो दिया, अभी मेरे पास 1 हब्स पड़ी है, अभी मैं जल्दी से इन्वेंट्री निकाल के इसको यूज़ करता हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे फिर से जिल ने जो है अपनी जिल, उसने है ना वॉमिट किया और अभी वो ठीक हो गई। लेकिन गाइस अभी एक स्पाइडर और है अपने ऊपर। अरे यार गाइस ये अपना पीछे ही नहीं छोड़ रहे, कितने सारे हैं यार यहाँ पे। वह भाई हर जगह से ही मेरे को मार रहे हैं, कोई नीचे से कोई पीछे से कोई ऊपर से। वह भाई प्लीज़ यार मेरे को जाने दो, तुम्हारी ऐसी की तेजी साड़ो गाइस, अगर मैं इनको बुलेट्स मारूंगा। और भाई मेरे पास तो 4 बुलेट्स बची हैं। और गाइस इसने फिर इन्फेक्ट कर दिया, मेरे ख्याल से गाइस अपन गए अभी, क्योंकि गाइस अभी मेरे ख्याल से अपन के पास फील नहीं है। नहीं गाइस अपन अभी बच गए, लेकिन अपन वापस इन्फेक्ट हो गए। बड़े भाई ये मॉन्स्टर जो है स्पाइडर मॉन्स्टर भी बहुत पावरफुल है यार। गाइस अभी जो जिल की कंडीशन है फिर से ख़राब हो गई है, भाई ऐसा कैसे चलेगा। अभी फिर मेरे पर अटैक किया गाइस इस स्पाइडर ने। अबे भाई मेरे पास तो अभी हर्ब्स भी नहीं है, मैं कैसे मुकाबला करूं इनसे गाइस, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने उसको 2-3 चाकू मारे और उससे ही मर गया है, तो ये सही है। लेकिन गाइस ये बहुत सारे हैं तादाद में। अभी मैं यहाँ की भी जो सप्लाई है वो जल्दी से ऑन कर देता हूँ। तो गाइस मैंने टोटल मेरे ख्याल से मैंने 3 सप्लाईज जो है वो ऑन कर दिए। गाइस ये फिर इसने मेरे मॉन्स्टर ने अटैक किया और गाइस मैं जो है मर गया हूँ, क्योंकि गाइस अभी अपने पास, ओ भाई गाइस कितनी जो है अपनी
पूरी जो है डेथ हुई है अबे भाई। तो गाइज यहाँ पर अभी बड़ी मुश्किल से मैं उस एरिया से बाहर आ गया हूँ, मतलब इस गेट से जो है मैं उस एरिया से निकलकर बाहर आ गया हूँ। मैंने वहाँ पर टोटल जो है 3 सप्लाईज जो है वो ऑन कर दिए गाइज। अभी जो अपनी रिमेनिंग सप्लाई है वो 1 है। अभी मैं यहाँ पर भी देख लूँ भाई कोई है तो नहीं। बाकी गाइज यहाँ का आप हशर देखो, हुआ हुआ क्या है यहाँ पर भाई, कुछ पता तो चले हुआ क्या है यहाँ पर, इतनी बुरे यहाँ पर हालत हुई है, खड़े होने का भी यहाँ पर दिल नहीं कर रहा है एक सेकेंड भी। बाकी फिर आ गए, हाँ मुझे पता था तुम लोगों की कमी, आ जाओ साड़ो। अच्छा गाइज ये डरपोक भी है बहुत, पहले देखते हैं फिर भाग जाते हैं। क्या छुपन छुपाई खेल लो क्या मेरे साथ साड़ो गाइज। वैसे इस जिल जो है, अपनी जिल जो करेक्टर है गाइज, इसको सलूट है, कैसे ये इस हालात में इस शहर में जो है सर्वाइव कर रही है। बाकी अब ये मॉन्स्टर आगा ना, इस पे जो है मैं स्पार्क पे जो है बुलेट चला दूंगा ताकि है ना मर जाएगा, बड़ा बेहतरीन तरीके से स्पार्क हो जाएगा। अभी गाइज अपन को यहाँ पर जाना है, कैसे रास्ते हैं यार भूल भुलैया वाले, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा किस तरफ जाना है कहाँ जाना है। बाकी भाई स्पाइडर नहीं आ जाना। हाँ गाइज मेरे को सामने एक सप्लाई तो दिख रही है, बाकी पीछे कौन सी, अब पीछे सप्लाई है या आगे वाली सप्लाई, पहले अपन आगे की तरफ चलते हैं। अगर ऑप्शन आएगा तो मेरे ख्याल से फिर आगे वाली सप्लाई है। बाकी भाई यहाँ पर कितने, अरे भाई आ गया, मुझे पता था तेरी एंट्री, अरे मारा साड़े ने मेरे को गाइज। ये एक तो निकलते ऐसे नाच रहे साड़े, रुक तो जा एक सेकेंड, तेरे को बताऊँ मैं तेरी ऐसी तेजी गाइज। 3 बुलेट्स जो है अपनी टोटल जो है इस पर वेस्ट हुई हैं। बुलेट्स अभी इसलिए अपन के लिए बहुत अहम है। बाकी भाई ये मैं कौन से रास्ते पर आ गया हूँ, यहाँ पे नहीं जाना है, सामने जाना है मेरे ख्याल से। तो गाइज अभी अपन ने ना सामने जाना है ना पीछे जाना है, अभी अपन ने जाना है अंदर की तरफ। यहाँ पर गाइज जो ये लास्ट सप्लाई है ये रिमेनिंग है, अभी मैं जल्दी से गाइज इसको ऑन कर देता हूँ। तो अपनी गाइज फाइनली सारी जो सप्लाई है वो ऑन हो चुकी हैं। अभी गाइज अपन जल्दी से ना इस गंदी जगह से बाहर निकलते हैं। बाकी आ जा साड़े, कैसे निकल कर आ रहा है तेरी ऐसी की तैसी। अब पता नहीं गाइज ये कितने आएंगे, यहाँ से मैं निकल पाऊंगा जिंदा या नहीं अब मुझे नहीं पता। बस अब मैं इनसे ना भिड़ूंगा नहीं, अब मैं सीधा जो है जल्दी से बाहर निकलता हूँ, बस मेरे को रास्ता पता चल जाए। हाँ भाई अभी तो मैं सही तक जा रहा हूँ, ये आ रहा है मेरे पीछे आ रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, मैं तेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी, आई डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तो गाइज बड़ी मुश्किल से अभी मैं बच बचा के बाहर आ गया हूँ। गाइज बहुत मुश्किल थी गाइज अंदर सप्लाई ऑन करना, असल में उन स्पाइडर्स मॉन्स्टर ने जो है ना वो बहुत हमें तंग किया हुआ था, कोई यहाँ से आ रहा कोई वहाँ से आ रहा। खैर गाइज अभी फाइनली अपन बड़ी मुश्किल से सारी सप्लाई ऑन करके बाहर निकल गए, अभी अपन अंदर चलते हैं और सब कुछ जो है ऑन करते हैं। यहाँ से अभी अपन को गाइज अभी कुछ ऑन करना पड़ेगा, तो अभी गाइज अपन बटन दबा के ऑन करते हैं। ओ भाई गाइज आपने देखा क्या हुआ, बटन ऑन करते ही मेरे जो है जो भी गन वन यहाँ पे गाइज जो जॉम्बीज की जो बॉडीज चिपकी हुई थी वो सारी जल के जो है नीचे गिर गई। अभी मुझे नहीं पता क्या हुआ है, क्या ये शार्ट तार शार्ट हो गए बंद हो गए अभी, ये कुछ भी नहीं। अभी गाइज अपन बाहर निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब जो है गाइज जॉम्बीज एंट्री लेंगे। गाइज अभी अपन की जो करेक्टर है जिल, उसने कार्लोस को फ़ोन लगाया कि भाई मैंने ना ऐसे ऐसे कर दिया। गाइज जो है जो कार्लोस कह रहा है ना तुम कंट्रोल रूम जाओ, जहाँ पर जो कंट्रोल रूम है वहाँ से गाइज अपन को जो है ट्रेन मूव करनी पड़ेगी। बाकी भाई जो है कार्लोस ने उनकी इतनी मदद कर दी है गाइस, ये ना जिल ने जो है अपनी ताना मारा है। कार्लोस कह रहा था कि भाई थैंक यू पार्टनर, लेकिन गाइस जिल ने कहा कि भाई मुझे पार्टनर नहीं कहो। अच्छा हुआ गाइस सही कहा जिल ने, क्योंकि गाइस ये सब जो हो रहा है सिटी में ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा है, अम्ब्रेला कॉरपोरेशन वालों की वजह से। अभी गाइस फाइनली अपन इस गंदी जगह से बाहर तो निकल गए, अभी अपन यहाँ से ही बाहर निकलते हैं। बाकी ओ भाई देखा गाइस, मैंने आपको कहा था ये मरा नहीं है, साड़ा कैसे तोड़ कर आया दीवार। भाई प्लीज़ जाने दे यार मेरे को, छोड़ दे प्लीज़, देख आपस में है ना मामला रफा दफा कर लेते हैं। एक सेकंड गाइज यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, रुक तेरी इसकी तेजी साड़े गाइज। इसको अभी मैंने बड़ी बुरी तरीके से इसको जो है शॉर्ट सर्किट में ना बुलेट मार के करंट लगा दिया। आ जाओ तुम भी आ जाओ साड़ो, अभी गाइज मैं यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ, वरना ये आ गया ना तो मसला हो जाएगा। मेरे पीछे गाइज ये भागता हुआ आ तो रहा है गाइज। अभी जिल ने कार्लोस को फोन लगाया कि भाई वो अभी भी चीज़ जो है अजीब सी जिंदा है गाइज, मेरे को डर लग रहा है भाई ये अंदर ना आ जाए तोड़ता हुआ सब कुछ। गाइज सामने मेरे को कुछ दिख रहा है, अभी पहले अपन फोन कॉल जो है अपनी रखें फिर उठाते हैं। क्या मिला भाई, शॉर्ट गन शेल्स मिले। वाह भाई वाह, शॉटगन हमारे पास है नहीं, हमें शॉटगन के शेल्स मिल गए। अभी गाइज अपन को यहाँ से बच बचा के बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी भाई यहाँ पर कोई काम की चीज़ है तो बताओ, नहीं है भाई यहाँ पे कोई भी काम की चीज़। गाइज अभी अपन बाहर की तरफ निकलते हैं। बाकी गाइज अभी मेरे को जो है डर लग रहा है, कहीं भी से वो तोड़ कर आ सकता है, क्योंकि गाइज वो हमेशा लेता ही एंट्री ऐसी है साड़ा। अभी अपन यहाँ से भी निकलते हैं जल्दी से। बाकी गाइज मेरे को पता था, देखा गाइज कैसी एंट्री ली कैसा, और भाई ये तो मार रहा है यार बड़े बुरे तरीके से। गाइज इसने पता नहीं हाथ में से अपने क्या निकाला हुआ रेड कलर का, उससे ये बार बार खींचे जा रहा है यार, प्लीज जाने दे भाई। गाइज मेरे को ज़ॉम्बी से कोई मसला नहीं है साड़े, मेरे को इससे मसला है। फिर आ गया ये, पता नहीं इसने अपने हाथ से रेड क्या निकाला हुआ है, बार बार उससे खींचे जा रहा है। एक दफा मेरे को जाने दे गाइज, मेरे को अभी कुछ भी नहीं पता कि रास्ता कहाँ जा रहा है, मैं बस जाए जा रहा हूँ, क्योंकि गाइज अभी मेरे को इससे बचना है, ये बहुत बुरे तरीके से मार रहा है। ओ भाई सीढ़ियों के ऊपर भी आ गया यार, इतना बड़ा आदमी सीढ़ियों पर कैसे आ सकता है गाइज, ये सीढ़ियों पर भी नहीं छोड़ा। ओ शिट गाइज मैं गलत आ गया, यहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं है।
भाई प्लीज जाने दे यार, वो भाई कैसा मुक्का मारा गाइस इसने। अरे यार पूरे शहर में मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है भाई, जाने दे, इतनी बुरी हालत हो रही है, मेरी पूरी स्क्रीन डैमेज हो गई है, मैं बचा ही नहीं है मेरे अंदर कुछ, मारा जा रहा, प्लीज छोड़ दे यार, जाने दे भाई प्लीज यार। गाइस मेरे को कोई वेपन मिल जाए फिर बताऊंगा मैं इसको। अरे भाई आके मार दिया साड़े ने मेरे को। तो गाइज यहाँ पर ये अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, अभी मैंने साइड वाले रास्ते में नहीं जाना, मैंने अभी जाना सामने पे। अबे भाई कैसे मार रहा, छोड़ दे एक दफा। गाइज मैं अभी स्पार्क में ना बुलेट चलाता, ओ भाई शिट यार, गाइज सारा स्पार्क मुझे ही लग गया यार इसकी वजह से, इसके चक्कर में। गाइज अभी मैं अंदर जाता हूँ, शायद मैं बच जाऊँ, अंदर तो नहीं आ पाएगा ये मेरे ख्याल से। हाँ गाइज ये अभी अंदर नहीं आया, अभी मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है। अरे यार अब ये सामने आ गए साड़े, इनकी ऐसी की तैसी, मोटे हट जा मेरी वैसी बहुत बुरी हालत हो रही है। अरे गाइज ये मेरे बिला वजह इसने मेरे को, गाइज यहाँ पे भी बचे तो गई। अरे भाई ये देखो, एक गया दूसरा आ गया, कहीं नहीं छोड़ा गाइस अपन है ना, अगर ये छोड़ देता तो अपन बच जाते, लेकिन मेरे ख्याल से गाइस अभी अपन नहीं बचे, बहुत बुरे तरीके से गाइस इसने ना अपन को इनफैक्ट क्या भाई मार दिया यार। तो गाइज अभी यही ज़ॉम्बी था जिसने अपन को मारा था, फिर से गाइज ये मेरे जो है पकड़ लिया इसने, गाइज इसने मेरे को, लेकिन अभी गाइज अभी मैंने इसको हटा के फेंका है। हट जा भाई, बहुत हो गई है, अभी हमें अंदर जाने थे। तो गाइज अभी अपन आ गए वापस काइट ब्रोज रेलवे के अंदर। अब यहाँ पे अपन को जाना गाइज सामने वाले रूम में। याद हुआ गाइज अपन ने जो है सप्लाई ऑन की थी, सबसे पहले अभी मैं हब्स निकाल के जो है अपनी पहले रिफिल कर लेता हूँ हेल्थ। तो गाइज अभी मेरी जो हेल्थ है वो फाइन हो गई है, ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। अब गाइज अपन इस रूम में चलते हैं। याद हुआ गाइज अब आपको कि अपन ने चार सप्लाई जो है वो ऑन की थी। अभी गाइज ने कार्लोस को फोन भी लगा दिया। अब अपन यहाँ पे गाइस जो है ट्रेन का पाथ जो है वो सेट करेंगे कि ट्रेन को कहाँ से जाना है। तो गाइस यहाँ पर जो है अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे जो है सेट करना है यहाँ पे। अभी गाइस मेरे को जो है मैप देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से मेरे को जो है रूट इसका जो है सेट करना है, और फिर जो है ना गाइस अपन ने ट्रेन को स्टार्ट करना है, फिर जो है ट्रेन अपनी जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी गाइस यहाँ पर जो है मैं पहले समझता हूँ उसमें क्या करना है, और फिर जो है अपन पाथ जो है वो ट्रैक सही करते हैं। तो गाइज अभी मैं दूसरे वाले को आर ए कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चेक करता हूँ उसमें है क्या क्या आर है। एक तो गाइज आर ए हो गया, क्योंकि फर्स्ट में जो है अपना वो है आर ई, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई गाइज, बाकी मैंने अभी आर ए कर दिया। अभी मैं चेक भी कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो है एस टी भी है एक, और एफ ओ भी है, एम ए भी है। तो गाइज ये है आर ई, तो मैं एफ ए भी है, तो अभी गाइज मैं ना इसको आर ए कर देता हूँ। और गाइज ये जो साइड में नंबर्स है ना, इसको मैं कर दूंगा 1, 2, 3, 4 और 5 गाइज सीरीज से कर दूंगा मैं इनको। अभी मैंने गाइज थर्ड वन जो है वो कर दिया एफ ओ, और 1, 2, 3 कर दिया। बाकी गाइज अभी है ना अपन जो है मैं नंबर सेट करता हूँ, मैंने गाइज नंबर को जो है वो 2 कर दिया है। तो गाइज नंबर भी जो है यहाँ पे सेट करना, ये बहुत टिपिकल है गाइज एक रूट सेलेक्ट करना भी। तो गाइज यहाँ पे मैंने सेट कर दिया आर ई आर ए एफ ओ एस ए और एफ ओ एस ए गाइज। हाँ तो गाइज मैंने यहाँ पे कर दिया 5 तो है नहीं, तो 5 की जगह मैंने वापस 1 कर दिया। अभी अपन जो है एंटर कर देते हैं और चेक करते हैं अपना जो रूट है वो कन्फर्म हुआ या नहीं। ओ गाइज यहाँ पर इसने एरर दे दिया, ये कह रहा है कि भाई इनवैलिड रूट। तो गाइज अपन ने जो रूट डाला वो गलत डाला, अपन को फिर से चेक करना पड़ेगा भाई, क्या सीन है यार इसका। तो गाइज मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट्स में गलती करी, अभी मैं यहाँ पर इसको सही कर देता हूँ, और आर ई के नीचे मैं कर देता हूँ एफ ए। नंबरिंग जो है वो 2 वो सही है। अभी मैं आ जाता हूँ थर्ड पर, थर्ड की जो भी नंबरिंग है ये भी सही है। यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट्स चेंज कर देता हूँ, अल्फ़ाबेट गाइज मैंने आर ए कर दिया, और एस ए को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एस ए के नीचे एफ ओ है। एस ए की जो है गाइज वो नंबरिंग चेंज होगी, बाकी गाइज अभी जो है मैं इसकी नंबरिंग चेंज कर देता हूँ। तो गाइज मैंने नंबरिंग चेंज कर दी है, अभी मैंने गाइज एंटर कर दिया, और गाइज अपना जो रूट है वो बेहतरीन सा बन गया है, ग्रीन हो गया और कोई एरर नहीं आया गाइज जो अपना। तो गाइज ये तो अपना बड़ा बेहतरीन काम हो गया, मैं समझ रहा था ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन गाइज अपन ने जो है अपना रूट है वो बना लिया है, तो भाई ये बड़ा बेहतरीन काम हो गया। अब भाई गाइज अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अपन को सबवे स्टेशन पर वापस जाना है, लेकिन एक सेकेंड, इससे पहले मैंने पीछे कोई एक तिजोरी देखी थी, तिजोरी नहीं वो अजीब सी कोई था, मेरे को लग रहा है इसमें अपन को कुछ सामान मिलेगा। तो मेरे ख्याल से गाइज इसमें लॉक पिक लगेगी, क्योंकि इसमें जो लॉक है वो लॉक पिक से ही खुलेगा। अपन कोई लॉक पिक मिली थी, ये भी बड़ी काम की चीज़ है भाई, इसको संभाल के रखना है। तो गाइज अभी मैं जल्दी से इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ, और जल्दी से भाई अभी ताला खुलेगा इसका, फिर पता चलेगा इसके अंदर क्या है। तो भाई यहाँ पर शॉटगन के शेल्स मिले हैं, वाह भाई शॉटगन हमारे पास है नहीं, उसके शेल्स हमें मिल गए। खैर गाइज इसमें हर एक चीज़ जो है वो काम की है, अभी मैं शॉटगन शेल्स को भी जो है अपने पास रख लेता हूँ। बाकी अपन इस रूम में भी चलते हैं, चेक करते हैं भाई यहाँ पर जो है क्या क्या है। तो यहाँ पर भी भाई कोई बुक पड़ी हुई है, ये क्या है, सबवे एम्प्लॉयज़ मेमो, नहीं भाई मैंने नहीं पढ़ना। बाकी सामने गाइज मेरे को एक और चीज़ दिखी, ये भी लॉक पिक से ही खुलेगी, अभी मैं जल्दी से यहाँ पे लॉक पिक लगाता हूँ, ये भी खुल जाएगा। अब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ओ गाइज यहाँ पे फर्स्ट एड डिस्प्ले निकला है, बड़ी काम की चीज़ है। अभी इसको यूज़ नहीं करूँगा, अभी इसको मैं रख लूँगा, इससे जो अपनी हेल्थ है वो बेहतर हो जाएगी। बाकी गाइज सामने मेरे को कोई गन दिख रही है, लेकिन उससे पहले अपन ये जो कबर्ड है
चाहिए, खोलते हैं इसमें से, देखते हैं क्या निकला है। तो गाइज इसमें से गन पाउडर निकला हुआ है, गन पाउडर निकला है। इसको अभी मैं जल्दी से इससे कंबाइन कर लेता हूँ और अपनी हैंड गन जो एमओ है वो बन गई है। अभी मैं ना बुलेट्स जो हैं वो रीलोड कर लेता हूँ। और गाइज यहाँ पर जो है शॉट गन है, और शॉट गन जो है अंदर कुछ कैबिनेट में। अभी मैं जल्दी से बोल्ट कटर से चेन काटता हूँ। और गाइज शॉट गन भी भाई अपने पास आ गई है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मेरे पास इन्वेंट्री में जगह तो है इसको रखने की, लेकिन बुलेट्स कहाँ से लाऊंगा भाई इसकी, अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। खैर गाइज अभी ये बड़ा बेहतरीन काम हो गया, शॉट गन जो है अपन मिल गई है। अब वो नेमेसिस आएगा ना, साड़े के मुंह पे दूंगा, आंखों पे गोलियां मारूंगा उसकी। शॉटगन की बुलेट लगती भी तेज है। गाइस मैंने अभी वापस गन निकाल ली है, मैंने बोला कि भाई शॉटगन अहम है तो उसको अभी बचा के रखो आगे, वरना वापस नेमेसिस ना आ जाए। बाकी अभी यहाँ पे अपन चलते हैं, बाकी चलो भाई। बड़े गाइस ये वापस किस उठ गया, अभी तो मारा मैंने इसको, और भाई इसको हो क्या गया, ये क्या बन गया भाई, ये ऑक्टोपस की कोई नस्ल में से लग रहा है मेरे को भाई, ये ज़ॉम्बी कैसे ज़ॉम्बी है यार। गाइज इसको बुलेट से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं शॉटगन के भी मैंने बुलेट निकाली है, शॉटगन की दो गोलियां चला दी भाई मैंने, फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा है। ये मैं गाइज अभी इसको तीसरी मारूंगा, ओ भाई अब तो मर जाएगा ना, हाँ भाई अब मत उठ जाइयो। गाइज मेरे को जो है अभी कुछ सही नहीं लग रहा है मामला, ये वापस उठ गया। अभी मैं ना अपनी पिस्टल निकाल लेता हूँ, देखो गाइज ये जिंदा हो के कैसे आ रहे हैं भाई, और ये कैसे आ रहे हैं। गाइज पीछे साउंड भी जो है वो बड़ा ख़तरनाक हो रहा है मेरे ख्याल से। गाइज बाहर कुछ जो है गड़बड़ी चल रही है। अब गाइज मेरे को जो है डर लग रहा है कि भाई बाहर कुछ हो ना जाए। मैं अपनी वापस शॉटगन निकाल लेता हूँ, लेकिन एक सेकंड भाई रीलोड तो कर लूँ, एक ही बुलेट है। अब गाइज मेरे पास चार बुलेट हैं, अभी अपन बाहर चलते हैं, मेरे को बाहर कुछ सही नहीं लग रहा है। बाकी गाइज मैं बोल रहा था आपको कि बाहर मेरे को कोई कुछ सही नहीं लग रहा है। बाकी गाइज इसको भी पता नहीं क्या हो गया, ये क्या होता जा रहा है भाई सबको। अरे एक वो भी ऊपर से उतर रहा है, इसको भी पता नहीं क्या हो गया, ये क्या हो रहा है गाइज इनके फेस के ऊपर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है ये पता नहीं क्या हो गया इनको, कौन कर रहा है। गाइज ये मैं समझ गया कौन कर रहा है, ये नेमेसिस ही होगा साला, ये इनको कर रहा है ये पता नहीं क्या भाई, ये तो पहले से इन्फेक्टेड है गाइज, ये छोड़ ही नहीं रहा। और गाइज ये नेमेसिस के हाथ से जो निकलता है ये भी इसी इनके सरों में से निकल रहा है, जो नेमेसिस के हाथ में से निकलता है रेड कलर का। और गाइज ये तो मर के ही नहीं दे रहा है मेरी, भाई दो बुलेट्स बची हैं, अब तो मर जा यार प्लीज़ यार। अरे गाइस गया भाई, एक बुलेट बची है, बड़ा बेहतरीन सा काम हो गया, ये एक बुलेट बचा ली हमने। खैर अभी मैं वापस पिस्टल निकाल लेता हूँ, और अभी गाइस मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ भाई, मेरे को नहीं रुकना यहाँ पे, मेरे को बहुत ख़राब हालात लग रहे हैं। अभी मैं जल्दी से गेट खोलता हूँ और गाइस यहाँ से निकलता हूँ, सबवे स्टेशन की तरफ जाता हूँ। गाइज एमओ की मेरे को अभी बहुत कमी चल रही है। ओ भाई गंजे क्या कर रहा है, डरा दिया यार। और गाइज ये तो दो दो हैं इस रूम में, अरे यार मिसने मेरे को पकड़ लिया। गाइज ये मेरे को बहुत बुरा लगता है जब ये मेरे को है ना चिपटते हैं ना ऐसे, मेरे को बहुत बुरा लगता है। अभी मेरे को इनसे भिड़ने का टाइम ही नहीं है, फिर उठ गया, कितनी जान है यार इनमें, एक तो वैसे ही मोटा है ऊपर से इन्फेक्टेड हो गया, इतना जान आ गई है, इतनी इतनी बुलेट्स खा रहे हैं यार, मैंने भिड़ना ही नहीं है इनसे। गाइज अभी मैं ना जल्दी से फर्स्ट एड स्प्रे यूज़ करता हूँ, थोड़ी जो अपनी फील है वो बेहतर हो, और मैं यहाँ से अभी निकलता हूँ। मैं इनसे अगर गाइज भिड़ता रहा ना तो मसला हो जाएगा। अभी गाइज अभी अपन जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, बाकी रास्ते मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आते। मेरे ख्याल से अभी मैं ना ऊपर की तरफ आ गया हूँ, गलत आ गया हूँ, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था भाई। अभी तो आया था यहाँ पे, नेमेसिस ने मेरे को बहुत बुरे तरीके से मारा था साड़े ने। अभी मैं गाइज यहाँ से नीचे चलता हूँ, और अभी अपन यहाँ से जल्दी से सबवे स्टेशन चलते हैं। बाकी ओ भाई गाइज ये रहा, गाइज ये रहा नेमेसिस, ये कर रहा है इनको ज़ॉम्बीज़ को, ये बना बना के फेंक रहा है। अच्छा ये बना रहा गाइज, अजीब सा पता नहीं क्या कर रहा है ये, अपने साथ ऐसा ना कर दे भाई प्लीज़, जाने दे यार मेरे को, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ। ओ गाइज क्या स्लिप मारी है भाई, क्या कर रहा है, ड्रिफ्टिंग कर रहा है, कैसे मुक्के मार रहा है गाइज ये, भाई प्लीज़ जाने दे, एक मेरा वक्त आने दे, मेरे को कोई ऐसा वेपन मिल जाए, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मेरे को कोई रॉकेट लॉन्चर मिल जाए जो कार्लोस के पास था, इतने मारूंगा इसको छोड़ूंगा नहीं, प्लीज़ यार मेरे को जाने दे। गाइज ये छोड़ ही नहीं रहा। अभी एक मेरे को है ना जल्दी से यहाँ पे कोई शॉप मिली है, लॉक पिक लगानी है, जल्दी जल्दी यार खुल जाए लॉक जल्दी से। ये गाइज लॉक खुल गया जल्दी से, अभी मैं जल्दी से शॉप के अंदर चलता हूँ, लेकिन ये शॉप के अंदर ना आ जाए भाई। तो गाइज अभी मैं शॉप के अंदर तो आ गया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये शॉप के अंदर आ जाएगा, लेकिन भाई ये शॉप किस चीज़ की शॉप है, टॉय शॉप है। बाकी भाई तू तो ज़ॉम्बी नहीं है ना, अरे भाई ये तो स्टेचू है गाइज, ये तो कोई टॉय शॉप है मेरे ख्याल से। हाँ भाई यहाँ पे खिलौने रखे हुए, बाकी इसको देखो लट्टू की तरह गर्दन घुमा रहा है गाइज, इसका फेस देखो कैसा लग रहा है। इतने हॉरर गेम में ऐसी चीज़ें भी होती हैं क्या भाई, मेरे को तो यकीन नहीं आ रहा। बाकी भाई यहाँ से कोई रास्ता वस्ता है बाहर जाने का, लेकिन भाई बाहर तो अपन ने जाना ही नहीं, बाहर निकला ही फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा। बाकी शुक्र है अभी गया तो अंदर नहीं आ सकता। बाकी भाई ये खड़ा हुआ सामने, ओ गाइज मैं डर गया यार, मैं रियली मैं डर गया गाइज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कैसे खड़ा हुआ साढ़े यहीं से तेरे एक बुलेट दूंगा गाइज, ये अंदर नहीं आ सकता मेरे ख्याल से। जब ही बेचारा इतने गुस्से से बाहर खड़ा हुआ देख रहा है, अबे हाय हाय बेचारा बेचारा आ ही नहीं सकता अंदर। बाकी ये क्या है भाई, एक फैंसी बॉक्स मिला अपन को, पहले मैं अभी इन्वेंट्री ओपन करता हूँ और इस बॉक्स को ओपन करके देखता हूँ है क्या भाई इसमें। अभी गाइज मैंने स्पेस दबा के इसमें खोल लिया, बाकी ये क्या निकला भाई, ग्रीन ज्वेल। तो गाइज फैंसी बॉक्स में से ये अपन को ग्रीन ज्वेल मिला है, और मैं समझ गया ये कहाँ लगेगा, ये कहीं लगेगा गाइज,
खैर है तो ये कीमती, अपन इसको संभाल के रख लेते हैं क्योंकि गाइज इस गेम में जो हर चीज़ है वो कीमती है। तो अभी गाइज मैंने इसको संभाल के रख लिया। बाकी भाई गाइज अभी मैं बाहर तो जा नहीं सकता, बाहर जाऊँगा तो वो खड़ा हुआ मेरे को गुस्से से घूर रहा है, जैसे ही बाहर जाऊँगा मुझ पर जो है अटैक कर देगा। अभी गाइज मेरे पास कोई एमो नहीं है उसको मारने के लिए, अगर वो मेरे को मारता भी है तो गाइज मेरे पास सर्वाइव करने के लिए कोई हब्स नहीं है, कोई रिफिल कुछ है ही नहीं गाइज जो इससे मैं अपनी हेल्थ जो है रिफिल करूँ। और गाइज अभी जो अपनी करेक्टर है जिल उसकी हालत भी बहुत ख़राब है, ये हमारे हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है नेमेसिस, इसको पता नहीं क्या हो गया है, इसको सिर्फ हमें ही पकड़ना है पूरे शहर में, मेरे को नहीं पता गाइज अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा अपन ने क्या करना है, अपन को क्या करना है। अभी मैं बाहर निकला तो गाइज ये मेरे को मार देगा। अभी मेरे ख्याल से गाइज ये टॉय शॉप जो है अपने लिए सेव है क्योंकि यहाँ पर ये अंदर नहीं आ सकता, तो अभी ये मेरे ख्याल से जो टॉय शॉप है ये अपने अपन के लिए सेव है। गाइस कोई एक दफ़ा मेरे हाथ में कोई ऐसा वेपन आ जाए जिससे मैं इसको नेमेसिस को बताऊं, असल में ये मारने का मौका भी नहीं देता मेरे को, मेरे हाथ में कोई ऐसा वेपन लग जाए कोई बड़ा सा जैसे आरपीजी रॉकेट लॉन्चर टाइप, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं नेमेसिस को। अभी गाइस अपन को देखना पड़ेगा कि अपन को इससे कैसे बचना है। तो चलो गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो गाइज लाइक ज़रूर कर देना और गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गाइज बार बार बोलता हूँ गाइज आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो गाइज फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टाटा।